बिहार शिक्षक पहाड़ी 2019-2021 नॉट इन मैरिट अभ्यर्थियों के साथ जिस तरह चंदाचूड़ खेल रहे हैं अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में। ऐसे में अतीत की कुछ गलतियों से स्टेट नॉट इन मैरिट अभ्यर्थियों को सीखना चाहिए उर्दू बांग्ला 2013। ऐसी ही गलती उर्दू बांग्ला 2013 के अभ्यर्थियों ने की थी और आज नॉट इन मैरिट अभ्यर्थी भी उसी राह पर है। पिछले 9 साल से उर्दू बांग्ला 2013 12,000 अभ्यर्थी सड़क की धूल फांकने को मजबूर है। उर्दू बांग्ला 2013 के साथ हुआ क्या था और इससे स्टेट नॉट इन मैरिट का क्या संबंध है ये समझिए। उर्दू बांग्ला 2013 BSEB द्वारा परीक्षा ली गई और परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्न अभ्यर्थियों ने भारी हंगामा किया। जिस तरह नॉट इन मैरिट अभ्यर्थियों ने किया, सरकार शिक्षा विभाग आंदोलन के दबाव में आ गई और अभ्यर्थियों को गलत प्रश्नों के बदले अंक दे दिया। 12,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और इसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में फिर बड़ा केस हुआ। हाई कोर्ट के डंडे के सामने सरकार शिक्षा विभाग का 12,000 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने का फरमान टिक नहीं पाया। अभ्यर्थी आज भी सड़क पर। आज आप लोग क्यों शिक्षा मंत्री का घेराव कर रहे हैं? 7 सालों से उर्दू बांग्ला TET उम्मीदवार रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस रिजल्ट के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि मुख्यमंत्री से लेकर के शिक्षा मंत्री तक 7 सालों से सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में रिजल्ट दे करके कहीं भी उम्मीदवारों को फेल नहीं किया गया। रिजल्ट देकर के हाईकोर्ट पटना के कड़े निर्देश के बाद 12,000 अभ्यर्थियों को सरकार शिक्षा विभाग द्वारा उत्तीर्ण करने के बाद अनुत्तीर्ण किया गया। अब अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल यह है कि नॉट इन मैरिट अभ्यर्थियों को इस केस से क्या लेना देना। आपको बता दें कि सरकार शिक्षा विभाग द्वारा नॉट इन मैरिट अभ्यर्थियों को उर्दू बांग्ला TET अभ्यर्थियों की तरह उत्तीर्ण किया गया। कागजी रसगुल्ला जारी करके अभ्यर्थियों को कहा गया कि आप ही आगे नियोजन इकाई में जा सकते हैं, पर अगर नोटिफिकेशन को गौर से देखें तो कहीं ना कहीं आम अभ्यर्थियों को आगे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगेगा। 27,800 पदों के लिए उर्दू बांग्ला की परीक्षा हुई थी और 12,000 अभ्यर्थी आंदोलन के बाद उत्तीर्ण किए गए थे, पर पटना हाईकोर्ट में इसके खिलाफ केस हुआ और अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। अभ्यर्थियों ने LPA केस किया। आपके स्क्रीन पर LPA का जजमेंट है। जब हाईकोर्ट ने अनुत्तीर्ण किया, अभ्यर्थियों ने LPA किया, पर LPA के केस में भी अभ्यर्थियों को मुखी खानी पड़ी। अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, पर सुप्रीम कोर्ट में भी अभ्यर्थियों की हार हुई। ऐसे में समझे कि नोटिफिकेशन के साथ बड़ा खिलवाड़। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े जजमेंट है, नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। ऐसे में हाई कोर्ट के 2021 के बड़े जजमेंट से आपको रूबरू कराते हैं। CWJT 10/6/49/2021 BPSC APO केस। नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ के बाद अभ्यर्थी पहुंचे थे हाई कोर्ट। नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि BPSC APO की परीक्षा हुई। मुख्य परीक्षा के बाद सीट से 10 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करना था आगे की परीक्षाओं के लिए। लगभग 500 सीटों की परीक्षा थी और 5,000 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करना था, पर लगभग 3,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो पाए। अभ्यर्थियों ने नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया कि जब सीट से 10 गुना रिजल्ट देने थे तो कम रिजल्ट क्यों। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में बड़ा केस और BPSC APO के केस में बड़ा फैसला माननीय न्यायाधीश चक्रधारी शरण की बेंच में हुआ। नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ को गलत पाया गया और बड़े आदेश आए हैं। BPSC APO की परीक्षा में रिजल्ट रद्द किया गया। साफ है कि नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। ऐसे में नोटिफिकेशन के अनुरूप ही स्टेट 2019 की बहाली होगी। अब नॉट इन मैरिट अभ्यर्थी क्या करें, ये आम नॉट इन मैरिट अभ्यर्थियों को सोचना है, क्योंकि उर्दू बांग्ला 2013 का हाल नॉट इन मैरिट अभ्यर्थियों ने देख लिया। सरकार शिक्षा विभाग के कागजी रसगुल्ले हाईकोर्ट के सामने टिक नहीं पाते और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजमेंट नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ को गलत मानते हैं। ऐसे में इन मैरिट अभ्यर्थियों की जीत तो सुनिश्चित है। नॉट मैरिट अभ्यर्थियों के जो रहनुमा है, जो आगे चंदा चोरी करके गलत तरीके के केस आगे बढ़ा रहे हैं, आप अभ्यर्थियों को लेट डूबेंगे, क्योंकि आगे आप अभ्यर्थियों को केस मुकदमा नहीं बल्कि सीटों पर जाना चाहिए ताकि सीट बढ़े। सीट बढ़ते ही आप नॉट इन मैरिट अभ्यर्थी मैरिट में आ जाते हैं। सरकार के पास अभी भी लगभग 1.5 लाख सीट है। आप ये समझे कि 5520 उत्क्रमित विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने भी इस बात को माना। जो परीक्षा हुई क्या, वो अभ्यर्थी जो सोच रहे हैं कि मार्च या अप्रैल तक वो स्कूलों में अपने आप को पदस्थापित पाएंगे, क्या वो स्कूलों में जा पाएंगे? सर, जब सरकार 2012 से उत्क्रमित कर रही है विद्यार्थियों को, आज तक 12-8 वर्षों में जब एक शिक्षक उत्क्रमित विद्यालय में सरकार नहीं दे पाई, तो क्या हम एक महीना में उम्मीद कर सकते हैं? आपने सुना, 2012 से सरकार विद्यालय को उत्क्रमित कर रही है, पर एक भी शिक्षक नहीं। शिक्षकों की भारी कमी है। अभ्यर्थी मेरिट और नॉट मेरिट के बीच लड़ मर रहे हैं, पर जो नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि नोटिफिकेशन से खिलवाड़ नहीं हो सकता है। आगे सीट अतिरिक्त है सरकार शिक्षा विभाग के पास, अभी भी वक्त है। आंदोलन सीट बढ़ाने को की जाए। जैसे ही सीट बढ़ेगा,
सीटों के रिकैलकुलेशन के बाद जो नॉट इनवाइट अभ्यर्थी हैं सभी मेरिट में आ जाएंगे। कुछ अभ्यर्थियों के कारण सभी अभ्यर्थी एक दूसरे से लड़कट मर रहे हैं, पर मुद्दा रिक्ति पर है। सरकार शिक्षा विभाग के खिलाफ किसी भी केस में 4-5 केस पटना हाईकोर्ट में है, किसी में भी हुई है। नॉट मेरिट अभ्यर्थियों को लूटा जा रहा है। उर्दू बांग्ला के अभ्यर्थियों से सीखे नॉट इनवाइट 2013 से 2021 हो गया हाई कोर्ट के एसबीए केस, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी। अभ्यर्थियों को यह वीडियो बुरा लग सकता है पर बुरा भला नहीं, शिक्षा सुधार आपको सच दिखाता है। ऊपर से 2011-12 एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जजमेंट आपके स्क्रीन पर है। जून 2019 तक की रिक्ति 2011-12 एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की है, ऐसा हाई कोर्ट का बड़ा जजमेंट है। ऐसे में सरकार शिक्षा विभाग रिक्ति पर चुप्पी साधे और आम अभ्यर्थियों को लड़ने कटने मरने दे रही है, क्योंकि सरकार शिक्षा विभाग बहाली करना ही नहीं चाहती। 2012 से उत्क्रमित हो रहे हैं विद्यालय, विद्यालयों में शिक्षक नहीं। 2021 अभी तुरंत विधानसभा जो सत्र समाप्त हुआ है, शिक्षा मंत्री ने ये माना है और बार बार माना है, हर विधानसभा सत्र में ये माना है कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। ऐसे में आम अभ्यर्थी जो आपस में लड़ने की कोशिश करे, खासकर ये नॉट इन मैरिट ये अभ्यर्थी आगे रिक्तियों पर बात क्यों नहीं करते हैं? इनके जो रहनुमा जिन्होंने इनसे चंदे के रूप में लाखों रुपए ऐंठ लिए, अभ्यर्थियों से चंदा चोरी हुई और आम अभ्यर्थी जो नॉट इनवाइट अभ्यर्थी हैं अभी भी सड़क पर हैं। और पटना हाईकोर्ट से जैसे ही 2-3-4 महीने में एक आदेश आ गया कि नोटिफिकेशन से खिलवाड़ नहीं हो सकता, नॉट इनवाइट अभ्यर्थी आ गई सिर पीटते रह जाएंगे, कहीं भी इनको राहत नहीं मिलेगी। अभी भी वक्त है, सीटों पर आगे चर्चा करें, सीट बढ़ाने की मांग करें, शिक्षा सुधार भी आपका समर्थन करेगा। आप गलत तरीके की केस को पटना हाईकोर्ट में ले जा रहे हैं और बहाली तबाह करना चाहते हैं। शिक्षा विभाग तो चाहती है कि आप केस केस खेलते रहें और आगे बहाली करना ही ना पड़े। 2012 से 2021 हो गया, लगभग 10 साल होने को है और स्कूल में शिक्षक नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा धूल फाक रही है, आम अभ्यर्थी एक दूसरे से लड़ने कटने में भीड़। शिक्षा मंत्री मिठाई वाले बाबा कहते कि मेरिट और नॉट मेरिट एक है, पर उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे पास 60-70 हजार सीट है, हम सीट बढ़ा देते हैं। अभी तक कोई सीट बढ़ाने का लेटर आप अभ्यर्थियों ने देखा है? आप अभ्यर्थी जो आपस में लड़ रहे हैं, शिक्षा मंत्री से ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि आप सीट क्यों नहीं बढ़ा रहे? अभी तक आपने सीटों को रिकैलकुलेट क्यों नहीं किया? अभी तक आपने 80,000 सीटों को क्यों छिपा के रखा? शिक्षा सुधार को आप दिन रात कोसते रहते हैं, पर आप अभ्यर्थी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते जो नॉट इन मेरिट है कि वो गलती कहां कर रहे हैं। आप अभ्यर्थियों के बीच में मैं पहुंचा था, आप अभ्यर्थियों को मैंने सही रास्ता दिखाने की कोशिश की कि आगे सीटों पर बात हो, पर आप अभ्यर्थियों ने तो मुझ पर ही हमला कर दिया। अब आगे हमने सच दिखाया है और आप अभ्यर्थी आप सच के साथ ये झूठ के साथ, या आप अभ्यर्थियों को तय करना है। जो भी अभ्यर्थी शिक्षा सुधार के साथ है सीट बढ़ाने की मुहिम में, वो कमेंट में यस जरूर लिखें। आगे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। शिक्षा विभाग तो चाहती है कि आप केस केस खेलते रहें और आगे बहाली करना ही ना पड़े। 2012 से 2021 हो गया, लगभग 10 साल होने को है और स्कूल में शिक्षक नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा धूल फाक रही।